परंपरा रही है कि जब राजा महाराजा अपनी सेनाएं युद्ध क्षेत्र के लिए कूच करते थे तो बिहारवासियों द्वारा रणभेरी बजाकर युद्ध आरंभ होने की सूचना दी जाती थी। साथ ही उससे पूर्व घुड़सवारों द्वारा युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण भी किया जाता था। चूंकि यह परेड स्थली इन प्रशिक्षणार्थियों की परम स्थली है, अतः इसकी प्राचीन परंपरा को कायम रखते हुए आज के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के आरंभ होने से पूर्व घुड़सवारों के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि घुड़सवारों द्वारा परेड प्रांगण का निरीक्षण किया गया। आइए आप और हम भी साक्षी बने आज पास आउट हो रहे इन नौजवानों के जीवन के उन सुनहरे पलों के, जो अब से कुछ ही समय में हमारे सामने भव्य परेड के रूप में प्रारंभ होने जा रहे हैं। क्या आप सभी अपना ध्यान सामने किले के प्रवेश द्वार पर ले जाएं, जहां से पाइप बैंड की मधुर धुन पर परेड ग्राउंड में प्रवेश कर रही है। जयकारों के साथ, दिल में जोश व नई उमंग के साथ यह भव्य परेड किले के अंदर आती हुई एकाएक सैलाब सा उमड़ आया है। जोशीले हिमवीरों की यह टोली बुलंद हौसलों के साथ एक लय व ताल के साथ बढ़े चले आ रहे हैं। रणभेरी बज उठी, चल पड़ी बहादुरों की टोलियां। रणभेरी बज उठी, चल पड़ी बहादुरों की टोलियां। गूंज उठी है दिशा दिशा में जय भारत की बोलियां। 24 सप्ताह पहले इन हिमवीरों का प्रशिक्षण इसी प्रांगण में आरंभ हुआ था और आज दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही अपना अंतिम पग इस अक्षेत्र को छोड़ने के लिए बढ़ाएंगे। बैंड की मधुर धुन पर कदम से कदम मिलाकर अपने प्लाटून के चिन्हित स्थान की तरफ आगे बढ़ते हुए ये नव हिमवीर। परेड कमांडर के नेतृत्व में परेड निर्धारित समय पर परेड ग्राउंड में आ चुकी है। अब ये हिमवीर अपने निर्धारित एवं चिन्हित स्थान पर एक साथ कदम ताल करते हुए परेड द्वारा उत्कृष्ट तरीके से थम की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। परेड कमांडर के आदेश पर मध्य सज की कार्यवाही करती हुई यह भव्य परेड उमड़ रहा उत्साह आज का कैसा दृश्य निराला है। उमड़ रहा उत्साह आज का कैसा दृश्य निराला है, जिसने हर सैनिक के मन में फिर से नवजीवन डाला है। किस उमंग में खड़ा हुआ यह सैनिक दल सज आया है, किसके स्वागत को यह सुंदर तोरण द्वार सजाया है। चेहरे पर गर्व की चमक, आंखों में दृढ़ संकल्प, इरादों में भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों को निभाने की शपथ के साथ अब ये नव आरक्षी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। आज
प्रशिक्षण समाप्ति के शुभ अवसर पर ये नव हिमवीर भारत देश के संविधान के प्रति सत्य निष्ठा व कर्तव्य प्रायणता से सेवा करने संबंधी शपथ लेंगे एवं प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त किए उच्च कोटि के प्रशिक्षण एवं उत्कृष्ट कवायद की झलक प्रस्तुत करेंगे। आइए अब सामने खड़ी सुसज्जित परेड से आपका परिचय कराते हैं। आज की इस भव्य परेड की कमान संभाले हुए हैं परेड कमांडर कांस्टेबल रिक्रूट लाल चंद बेनीवाल। परेड द्वितीय कमान की कमान संभाले हैं कांस्टेबल रिक्रूट ज्योति। अब आप अपना ध्यान सलामी मंच के बाई ओर ले जाएं, जहां खड़ी है प्लाटून नंबर एक, जिसकी कमान संभाले हैं कांस्टेबल रिक्रूट जितेंद्र सिंह। प्लाटून नंबर एक के बाएं खड़ी है प्लाटून नंबर दो, जिसकी कमान संभाले हैं कांस्टेबल रिक्रूट अजय शर्मा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्लाटून नंबर तीन, जिसकी कमान संभाले हैं कांस्टेबल रिक्रूट अनुज कुमार। प्लाटून नंबर चार, जिसकी कमान संभाले हैं कांस्टेबल रिक्रूट जे मधु। सलामी मंच के मध्य में खड़ी है प्लाटून नंबर पाँच, जिसकी कमान संभाले हैं कांस्टेबल रिक्रूट लाली। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्लाटून नंबर छः, जिसकी कमान संभाले हैं कांस्टेबल रिक्रूट अभिषेक। प्लाटून नंबर सात, जिसकी कमान संभाले हैं कांस्टेबल रिक्रूट स्वप्निल चौधरी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्लाटून नंबर आठ, जिसकी कमान संभाले हैं कांस्टेबल रिक्रूट राहुल वैराले। सलामी मंच के पूरे दाहिने खड़ी है प्लाटून नंबर नौ, हिमवीरों की अंतिम प्लाटून, जिसकी कमान संभाले हैं कांस्टेबल रिक्रूट हरेंद्र सिंह। परेड के पीछे व मध्य में खड़ी है बैंड प्लाटून, जिसकी कमान संभाले हैं निरीक्षक जीडी दिवाकर प्रसाद। आज की इस भव्य परेड में दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर 167वें नॉन जीडी समुदाय के कुल 594 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश से एक, असम एक, बिहार 64, छत्तीसगढ़ दो, दिल्ली एक, हरियाणा 36, हिमाचल प्रदेश 13, झारखंड 3, कर्नाटक 2, मध्य प्रदेश 4, महाराष्ट्र 29, पंजाब 4, राजस्थान 140, उत्तराखंड 20, उत्तर प्रदेश 173 तथा वेस्ट बंगाल से कुल 4, कुल 594 जाबाज बहादुर सैनिक इस परेड में शिरकत कर रहे हैं और आज इस प्रशिक्षण स्थली को छोड़कर अपने आप को राष्ट्र व बल की सेवा के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। यदि इन हिमवीरों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10th पास 19, 12th 180, ग्रेजुएट 339 तथा पोस्ट ग्रेजुएट 56 हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि बल व राष्ट्र की सुरक्षा शैक्षिक सैनिकों के हाथों में है। आज कि इस भव्य परेड में देश के भिन्न भिन्न भागों से चुने हुए फूलों का यह गुलदस्ता, जिसमें हर धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग व संप्रदाय के हिमवीर शामिल हैं, जो कि चरितार्थ करते हैं वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य को। आइए अब आप अपने बल के इतिहास से आपका परिचय करवाते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत चीन सीमा की निगरानी व सुरक्षा के उद्देश्य से की गई। मात्र 4 बटालियनों के समूह के रूप में इसका उद्भव सीआरपीएफ एक्ट के अंतर्गत हुआ। तदुपरांत 1992 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम तथा 1994 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम बनाए गए। बल को समय समय पर विभिन्न दायित्वों जैसे बैंक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशों में कंसल्टेंट की सुरक्षा, वीआईपी व महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा, चुनाव ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, आपदा प्रबंधन आदि कार्य सौंपे गए। हर जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया और देखते ही देखते बल ने अपना विस्तार 56 सर्विस वाहिनी, 7 स्पेशलिस्ट वाहिनी, 17 प्रशिक्षण केंद्र, 7 लॉजिस्टिक स्टेटमेंट के रूप में इस वृहत वर्तमान रूप को प्राप्त किया, जिसमें अब तक 90,000 से ज्यादा कर्मी जुड़ चुके हैं। सर, सन 2004 में एक सीमा एक बल की तर्ज पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को
3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। बल का ध्येय वाक्य शौर्य, दृढ़ता व कर्मनिष्ठा अर्थात वैलर, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी हर क्षण यहाँ चरितार्थ होता दिखता है। बल का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। बल ने अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अपनी गरिमा के अनुरूप समर्थ भूमिका निभाते हुए देश की सीमा की सुरक्षा में अद्वितीय योगदान दिया है। देश की सीमा पार तथा आंतरिक शत्रुओं के विरुद्ध बल की सेवाओं ने कई विशेषताएं अर्जित की हैं। मिला। अब से कुछ ही समय पश्चात प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के सेनानी प्रशिक्षण श्री विक्रांत थपलियाल हमारे बीच पधारने वाले हैं। प्रारंभ से ही बल को विशेष भूमिकाएं दी गई हैं। पंजाब में जब आतंकवाद अपने चरम पर था तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को प्रांत की बैंकों की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया गया। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध अभियानों में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को नियुक्त किया गया। बल ने अपने समर्पित निष्ठा से इन भूमिकाओं में विशेष विशिष्ट छवि को बरकरार रखा। सेनानी महोदय का आगमन। परेड कमांडर द्वारा महोदय का परंपरागत रीति सलामी शस्त्र से अभिनंदन किया गया। श्री विक्रांत थपलियाल सेनानी प्रशिक्षण बीटीसी आईटीबीपी का जन्म 26 दिसंबर 1972 को देहरादून जिले में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। आप हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से स्नातक की पढ़ाई करने के उपरांत मई 1997 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सीधे अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। आपने काजीगुंड जम्मू कश्मीर में सीआई इन्वांस में उच्च कौशल क्षमता के साथ आईटीबीपी का नियंत्रण किया। साथ ही सीमा सुरक्षा में अपनी सेवा के दौरान लेह जम्मू कश्मीर, सरहान हिमाचल प्रदेश और जोशीमठ उत्तराखंड में अपने कर्तव्यों का निर्वहन काफ़ी सकारात्मक ढंग से किया। आपके द्वारा आईटीबीपी के विभिन्न प्रकार के दायित्वों के निर्वहन के उपरांत जब देश ने सर्बिया से अलग होने की घोषणा की थी उस समय आपने कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम मिशन में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक के रूप में चुनौतीपूर्ण समय में सेवा प्रदान की है। आपने अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों जैसे कमांडो कोर्स ऑफिसर्स, सीआई ऑपरेशन, बीएसडब्ल्यू कोर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स, माउंटेन वारफेयर, सीनियर कमांड मैनेजमेंट कोर्स में उत्कृष्ट ग्रेडिंग प्राप्त की है। आपने आईआईएम बेंगलोर एंड आईआईएम इंदौर से प्रबंधन विकास कार्यक्रम किए हैं। आपको प्रशिक्षण गतिविधियों के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त है जिसका लाभ वर्तमान समय में बीटीसी में प्रशिक्षणाधीन जीओज, यसोज, ओआरस एंड रिक्रूट्स उठा रहे हैं तथा वे निरंतर फिजिकल स्तर को बढ़ा रहे हैं। आपको अपने सेवाकाल के दौरान यूएन मेडल, पराक्रम पदक, पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल, डीजीज कमेंडेशन रोल विद सिल्वर डिस्क जैसे सम्मान से अलंकृत किया गया है। आपने दिनांक 1 जुलाई 2007 से 30 दिसंबर 2008 तक यूएन सिविल पुलिस सेंटर में बतौर प्रशिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन किया है
और वर्तमान समय में सेनानी प्रशिक्षण बीटीसी आईटीबीपी के तौर पर दिनांक 1 जनवरी 2020 से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कुछ ही समय पश्चात श्री राजेश शर्मा उप महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र हमारे बीच पधारने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की शुभकामनाओं के साथ भावभीनी विदाई मिलेगी उप महानिरीक्षक महोदय का आगमन। परेड द्वारा महोदय का परंपरागत रीति जनरल सल्यूट द्वारा अभिनंदन किया गया। श्री राजेश शर्मा उप महानिरीक्षक बीटीसी आईटीबीपी का जन्म 15 नवंबर 1968 को पंजाब के जालंधर जयपुर जिले में एक संभ्रांत परिवार में हुआ। आप मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के उपरांत दिसंबर 1991 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सीधे अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। आपको बेसिक ट्रेनिंग में ओवरऑल बेस्ट राउंड ट्रेनिंग के लिए होम मिनिस्टर स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। आपने अपने 30 साल के लंबे सेवाकाल के दौरान विभिन्न कार्य क्षेत्रों जैसे ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ ड्यूटीज़, कमांडो इंस्ट्रक्टर, बटालियन कमांडर एंड सेक्टर कमांडर के साथ साथ एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में भी आप अपने कौशल का उत्तम प्रदर्शन किया है। आपको अपने सेवाकाल में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल थ्राइस, ऑपरेशन प्रोक्रम मेडल, हाई एल्टीट्यूड मेडल थ्राइस, पुलिस आईएस ड्यूटी मेडल ट्वाइस, डीजी आईटीबीपी की तरफ से 7 इंसिग्निया और 14 कमेंडेशन एवं डीजी एनएसजी की ओर से 3 इंसिग्निया और कमेंडेशन जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप एक उत्कृष्ट टेनिस खिलाड़ी के साथ साथ एक बेहतरीन पिस्टल फायरर भी हैं। आपने अनेक बार अखिल भारतीय पुलिस चैंपियनशिप में आईटीबीपी का प्रतिनिधित्व किया है एवं अनेक सम्मान अर्जित कर बल का नाम रोशन किया है। वर्तमान में डीआईजी बेसिक ट्रेनिंग सेंटर आईटीबीपी के रूप में समस्त प्रशिक्षण एवं प्रशासन से संबंधित गतिविधियों का संचालन आपकी अगुवाई में कुशलतापूर्वक किया जा रहा है, जिससे यह संस्थान नित नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में श्री ईश्वर सिंह दुहन महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु का इस भव्य प्रांगण में आगमन होने वाला है।
महानिरीक्षक महोदय का आगमन। परेड द्वारा महोदय का परंपरागत रीति जनरल सल्यूट द्वारा अभिनंदन किया गया। श्री ईश्वर सिंह दुहन, इंस्पेक्टर जनरल आईटीबीपी का जन्म 17 जुलाई 1963 को हिसार जिले में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ। आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई करने के उपरांत आप जून 1986 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सीधे अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। आप अब तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में लगभग 36 वर्ष की लंबी सेवा दे चुके हैं। आपको बल में भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र तथा बल मुख्यालय दिल्ली में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर ड्यूटी करने का व्यापक अनुभव है। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर सेनानी के पद पर तैनाती के दौरान आपकी वाहिनी को वर्ष 2004 की बल्कि सर्वश्रेष्ठ वाहिनी के रूप में चुना गया। आप पंचकुला स्थित राष्ट्रीय स्तर की आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान NITSRDR में प्रोफेसर के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं तथा डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको अपने सेवाकाल के दौरान सराहनीय सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस एवं 8 बार DG ITBP के कमेंडेशन रोल से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान के मुखिया के रूप में तैनात हैं एवं अपने सेवाकाल के व्यापक अनुभव से इस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणाधीन रिक्रूट्स को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। बेहतर प्रशिक्षण की वजह से ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अति दुर्गम इलाकों में तैनाती पर भी हिमवीर अपनी ड्यूटियों को ईमानदारी एवं तन्मयता के साथ निभा रहे हैं तथा बल का नाम रोशन कर रहे हैं। अब हमें इंतजार है आज के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, जिनका आशीर्वाद पाकर आज ये नव सैनिक एक पूर्ण सैनिक का दर्जा हासिल करेंगे। आज इस भव्य समारोह में पधारकर हम सभी को कृतार्थ करने वाले हैं आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिंह रावत, अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। महोदय द्वारा अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहां पधारने का हमारा आग्रह स्वीकार किया गया, इसके लिए हम अतिथि महोदय का आभार प्रकट करते हैं। घोड़ों की टाप इस बात को इंगित कर रही है कि आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिंह रावत, अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
का इस भव्य प्रांगण में आगमन कुछ ही समय पश्चात होने वाला है। सभी की निगाहें मुख्य द्वार की तरफ मुख्य अतिथि महोदय के आगमन की प्रतीक्षा में। यूं तो घोड़े रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, परंतु बीटीसी में दिए जाने वाले उच्च कोटि के प्रशिक्षण का यह परिणाम है कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में इन अश्वों द्वारा विभिन्न मेडल प्राप्त किए गए। उदाहरणार्थ अभी हाल ही में आयोजित 40वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में अश्व विष्णु, ग्रीक गोल्ड, माइकल, फायरबॉल जूनियर आदि अश्वों द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त कर इस संस्थान वेबल का नाम रोशन किया गया। अतिथि महोदय का काफिला अश्वरोही दस्ते की अगुवाई में धीरे धीरे परेड ग्राउंड की तरफ अग्रसर। अतिथि महोदय का काफिला अश्वरोही दस्ते की अगुवाई में धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर अग्रसर। अतिथि महोदय का आगमन परेड प्रांगण में होने वाला है। मुख्य अतिथि महोदय का शुभ आगमन इस सुसज्जित प्रांगण के प्रवेश द्वार पर हो चुका है। महोदय के आगमन पर बिगुलवादकों द्वारा परंपरागत धुन बजाकर स्वागत किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के उपरांत सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिंह रावत, अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान चंडीगढ़, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के उपरांत धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिंह रावत, अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। परेड द्वारा अतिथि महोदय का जनरल सल्यूट के साथ अभिनंदन किया गया। परेड कमांडर जोशीले अंदाज में परेड की रिपोर्ट देने तथा निरीक्षण का आग्रह करने के लिए चुस्त कदमों से सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए।
त्रिवार 167 आंतरिक समुदाय कैंप 594 महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थी दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड पर परेड निरीक्षण के लिए उपस्थित श्रीमान श्रीमान परेड कमांडर का आग्रह स्वीकार करने के उपरांत मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिंह रावत, अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, श्री ईश्वर सिंह दुहन महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र, परेड कमांडर की अगुवाई में परेड का निरीक्षण करने एवं इन सैन्य हिमवीरों को अपना आशीर्वाद और सानिध्य देने के लिए सुसज्जित वाहन में सवार होकर परेड ग्राउंड की तरफ अग्रसर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आपने रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली यूपी से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। आप हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं तथा आपके द्वारा राष्ट्रीय हॉकी में उत्तर प्रदेश एवं भारतीय संयुक्त विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया गया है। आप 1986 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सीधे अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1986-87 में बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर से आधार प्रशिक्षण ग्रहण किया तथा आपको प्रशिक्षण के दौरान बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का ट्रॉफी से अलंकृत किया गया है। आपने अपने 36 साल के लंबे सेवाकाल के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त संस्थानों से कोर्स किया है, जिसका लाभ बल को मिल रहा है। आपको बल में भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का जून 2020 में पहला अपर महानिदेशक बनने का गौरव हासिल है। आपके द्वारा बतौर कमांडेंट कॉम्बैट विंग अकादमी के पद पर रहते हुए 3 डायरेक्ट एंट्री जीडी ऑफिसर बैच एवं 4 कॉम्बिटाइज्ड ऑफिसर बैच को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा अकादमी में विदेशी प्रशिक्षु अधिकारियों के कई पाठ्यक्रमों का सुपरविजन भी आपके द्वारा किया गया। आपके द्वारा कॉम्बैट विंग के भूमि की पहचान करके उसमें प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और आवासों का निर्माण कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। आपको बल मुख्यालय में बतौर आईजी ऑपरेशन एंड इंट कार्य करने का व्यापक अनुभव रहा है। आपको सेवा काल के दौरान सराहनीय कार्य करने के लिए वर्ष 2007 में भारतीय पुलिस पदक, वर्ष 2012 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं 2013 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। आप वर्तमान में बतौर अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान चंडीगढ़ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कार्यरत हैं। मुख्य अतिथि महोदय, भावभीवोर आनंद अतिरेक, आज के इस शुभ अवसर पर इन प्रशिक्षणार्थों के लिए मंगल कामना की मुद्रा में आपका हर्षित मौन आशीर्वाद मानो इन पंक्तियों को उद्बोधित कर रहा हो। उठो हिमाद्र शंग से तुम्हें प्रजा पुकारती, उठो प्रशस्त पथ पर बढ़ो सुबुद्ध भारती, उठो स्वदेश के लिए बनो कराल काल तुम, बढ़ो स्वदेश के लिए बनो विशाल ढाल तुम। निरीक्षण के उपरांत दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए महोदय सुशोभित वाहन में वापस सलामी मंच की ओर अग्रसर। इसके बाद परेड कमांडर महोदय से परेड शुरू करने की अनुमति लेंगे। परेड कमांडर समारोह को आरंभ करने की अनुमति लेने के उपरांत चुस्त व सधे हुए कदमों से अपने चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर। अब
राष्ट्रीय ध्वज व बल ध्वज को सम्मान के साथ परेड ग्राउंड में लाया जाएगा, जिसे साक्षी मानकर ये नव सैनिक शपथ लेंगे। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ध्वज टोली के सामने से गुजरने पर ध्वजों के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर एवं वर्दी में उपस्थित समस्त पदाधिकारी सल्यूट देकर ध्वजों को सम्मान देने की कृपा करें। ध्वज टोली सलामी मंच के दाहिने किनारे से परेड मैदान में आ रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक जीडी सुभाष बुडानिया। राष्ट्रीय ध्वज व बल ध्वज को साक्षी मानकर ये नव सैनिक अपने हाथों को उठाकर आज शपथ ले रहे हैं भारत माता की सुरक्षा को और भी मजबूत करने की। इन ध्वजों को साक्षी मानकर प्रण कर रहे हैं कि हम अपने देश की आन बान व शान को कम नहीं होने देंगे, चाहे प्राणों का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। राष्ट्रीय ध्वज को थामे हैं निरीक्षक जीडी सुभाष बुडानिया और बल ध्वज को थामे हैं निरीक्षक जीडी राकेश यादव। यूं ही लहराता रहे सबसे ऊंचा जहां में तू, यूं ही लहराता रहे सबसे ऊंचा जहां में तू, हिमालय से ऊंची तेरी शान हो, कुर्बानियों से पाया है तुझे खातिर तेरे अपना बलिदान हो। अब ये हिमवीर हाथों को उठाकर मन में ये संकल्प लेते हुए कि हमको शपथ हिमालय की, हमको शपथ हिमालय की, अपने बल के झंडे की, मातृभूमि की कसम हमें, हमको कसम तिरंगे की। ये नौनिहाल अपने मन में यह संकल्प ले रहे हैं कि दे सलामी इस ध्वज को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस ध्वज को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है।
अब ये दोनों ध्वजधारी परेड मैदान के मध्य में अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ते हुए जहां इन नव आरक्षकों को सेवा संबंधी शपथ दिलाई जाएगी। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर तरफ यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। शपथ दिलाने जा रहे हैं श्री परसोत्तम सिंह ठाकुर, उपसेनानी प्रशिक्षण प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा अबद्ध रूप में ईमानदारी से श्रद्धापूर्वक सेवा करूंगा। वायु भूमि या समुद्र मार्ग से जहां कहीं भी जाने का आदेश दिया जाएगा वहां जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनपालन करूंगा। शपथ दिलवाने के बाद दोनों ध्वजधारी परेड के दाहिने ध्वज रक्षक टोली के साथ अपना स्थान ग्रहण करने के लिए चुस्त व सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए न झुकने दिया तिरंगे को न युद्ध कभी ये हारे हैं, न झुकने दिया तिरंगे को न युद्ध कभी ये हारे हैं, भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज को जिस सम्मान के साथ परेड ग्राउंड में लाया गया था उसी सम्मान के साथ अब परेड से ले जाया जाएगा। दर्शकों से अनुरोध है कि एक बार पुनः अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज के सामने से गुजरने पर ध्वजों के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इन ध्वजों को सम्मान प्रदान करने की कृपा करें।
परेड कमांडर के आदेश पर परेड ने दाहिने मुड़कर तेज चाल में कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए संगठन के अनुशासन और एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। आज की यह परेड बल के नए जोश की झलक दिखलाने के लिए आगे बढ़ती हुई। आज इन्हीं वीरों के जोश को देखते हुए तो बस यही कहूंगी, बढ़ चुके हैं जो कदम पीछे हटा सकते नहीं, बढ़ चुके हैं जो कदम पीछे हटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बैंड की मनोहारी धुन पर कदम से कदम कंधे से कंधा मिलाकर ये टुकड़ियां प्रांगण के बाएं छोर की ओर अग्रसर। हिमवीरों की यह परेड सदे हुए कदमों से एक साथ हवा में लहराते हाथ व एक साथ बढ़ते इनके कदम अद्वितीय कवायद का नमूना प्रस्तुत करते हुए इस सुशोभित परेड ग्राउंड में अपने चेहरों पर गर्व की चमक, आंखों में दृढ़ संकल्प, ये बहादुर जाबाज सैनिक पूरी आन बान शान से सीना ताने बड़ी ही मुस्तैदी से मार्च करते हुए भारतीय सैन्य शैली के परिधानों में सुसज्जित परेड, पांव में सफेद गेटर, कमर में शौर्य का प्रतीक कमरबंद, गले में दृढ़ता का सूचक बल स्कार्फ एवं सिर पर नीली टोपी, साथ ही खाकी रंग का परिधान जो कि सदैव मातृभूमि की मिट्टी के प्रति हमारे दायित्व की याद दिलाती है। इन्हें 24 सप्ताह की श्रम साध्य व थका देने वाले प्रशिक्षण के दौरान भिन्न भिन्न विषयों में पारंगत बनाया गया। मंच के सामने सबसे आगे परेड कमांडर कॉन्स्टेबल कुक लाल चंद बेनीवाल, जिन्होंने दाहिने सल्यूट देकर महोदय का अभिनंदन किया। इनके पीछे कॉन्स्टेबल एस के ज्योति प्लाटून नंबर एक द्वारा महोदय का दाहिने देख से अभिनंदन। इसकी कमान संभाले है कॉन्स्टेबल वाटर कैरियर जितेंद्र सिंह। मंच से गुजरने के लिए तैयार है प्लाटून नंबर दो, जिसकी कमान संभाले है कॉन्स्टेबल वाटर कैरियर अजय शर्मा। प्लाटून नंबर दो द्वारा महोदय का दाहिने देख से अभिनंदन। और अब मंच से गुजरने के लिए तैयार है हिमवीरों की थर्ड प्लाटून, प्लाटून नंबर तीन, जिसकी कमान संभाले हैं कॉन्स्टेबल कुक अनुज कुमार। प्लाटून नंबर तीन द्वारा महोदय का दाहिने देख से अभिनंदन। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आएगा जमीन पर, इरादों में बस जीत की गूंज चाहिए। प्लाटून नंबर चार द्वारा महोदय का दाहिने देख से अभिनंदन। प्लाटून नंबर चार की कमान संभाले हैं कॉन्स्टेबल कुक जे मधु। तपे मेहनत की मिट्टी में बड़े खूंखार हैं हम, तपे मेहनत की मिट्टी में बड़े खूंखार हैं हम, उड़ा दे दुश्मन की गर्दन वो तलवार हैं हम। मंच के सामने प्लाटून नंबर पाँच, प्लाटून नंबर पाँच द्वारा महोदय का दाहिने देख से अभिनंदन। प्लाटून नंबर पाँच की कमान संभाले हैं कॉन्स्टेबल टेलर लाली। और अब मंच से गुजरने के लिए तैयार है प्लाटून नंबर छः, जिसकी कमान संभाले हैं कॉन्स्टेबल कोबलर अभिषेक। प्लाटून नंबर छः द्वारा महोदय का दाहिने देख से अभिनंदन। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गर्जना के साथ परेड का मनोबल बढ़ाते रहें। और अब मंच से गुजरने के लिए तैयार है प्लाटून नंबर सात, जिसकी कमान संभाले हैं कॉन्स्टेबल एस के स्वप्निल चौधरी। प्लाटून नंबर सात द्वारा महोदय का दाहिने देख से अभिनंदन। युगों युगों से यही हमारी परिपाटी है, युगों युगों से यही हमारी परिपाटी है, खून दिया है मगर कभी नहीं दी देश की माटी है। प्लाटून नंबर आठ मंच के सामने, जिन्होंने दाहिने सल्यूट देकर महोदय का अभिनंदन किया। प्लाटून नंबर आठ की कमान संभाले हैं कॉन्स्टेबल एस के राहुल बैराले। प्लाटून नंबर नौ हिमवीरों की अंतिम प्लाटून, प्लाटून नंबर नौ द्वारा महोदय का दाहिने देख से अभिनंदन। प्लाटून नंबर नौ की कमान संभाले हैं कॉन्स्टेबल टेलीकॉम हरेंद्र सिंह। और इसके पीछे बहुत ही सुंदर बैंड का दस्ता मार्च करता हुआ, जिसकी कमान संभाले हैं निरीक्षक जीडी दिवाकर प्रसाद। बल के ये नवसैनिक जिस उमंग व उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं, इससे इनके बुलंद हौसलों का अनुमान लगाया जा सकता है। इनके बुलंद हौसलों को देखते हुए यही कहूंगी कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा,
ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गर्जना के साथ परेड का मनोबल बढ़ाते रहें। एक लय व ताल के साथ आगे बढ़ते हुए यह परेड, जिसके अनुशासन व एकता को देखते हुए कहूंगी, यह प्रशिक्षकों की मेहनत का नतीजा है। आज बीटीसी खुशियों की बारिश में भीगा है। हर किसी के चेहरे पर खुशियों की मुस्कान तो देखिए, परेड की हर अदा पर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की पहचान तो देखिए। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी बीटीसी की एक अलग छाप छोड़ते हुए एक लय व ताल के साथ निरीक्षण लाइन की तरफ आगे बढ़ते हुए ये नव हिम्मती, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक लय व ताल के साथ आगे बढ़ते हुए यह परेड, निरीक्षण लाइन पर पहुंचने के बाद ये सभी प्लाटून ने अपने अपने निर्धारित एवं चिन्हित स्थान पर एक साथ कदमताल करती हुई बहुत ही शानदार था। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों के साथ परेड का मनोबल बढ़ाते रहें। परेड कमांडर के आदेश पर मध्य सज की कार्यवाही करती हुई यह भव्य परेड, अभी ठीक है, अब ये सैनिक समीक्षा क्रम में आगे बढ़कर जनरल सल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। श्री ईश्वर सिंह दुहन, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से अनुरोध करती हूं कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित जन समुदाय के स्वागत में चंद शब्द कहने की कृपा करें। माननीय श्री ईश्वर सिंह दुहन, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। आदरणीय श्री मनोज सिंह रावत, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड आईटीबीपी, श्रीमती राधिका चीमा, ट्रस्टी आईकेजे केयर फाउंडेशन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दीर्घ आयुर्वेदा, श्री गुरविंदर चीमा, मैनेजिंग डायरेक्टर किंग ककड़नाथ, श्री केपी सिंह, इंस्पेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड, श्री अश्विनी कुमार, डीआईजी एनआईटीएसआरडीआर, श्री एके फूल, डीआईजी वेस्टर्न कमांड, श्री प्रमोद कुमार, डीआईजी कंपोजिट हॉस्पिटल चंडीगढ़,
श्री राजेश शर्मा डीआईजी बीटीसी, श्रीमती अनी कामडी रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी सम्मानित महिलाएं, सम्मानित अतिथिगण, सहयोगी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं, हिमवीरों तथा इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले 167वें नॉन जीडी बैच के 594 ट्रेनीज और उनके परिवारजन। सर्वप्रथम मैं श्री मनोज सिंह रावत, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड आईटीबीपी का आभारी हूँ, जिन्होंने इन नव प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करने एवं आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारकर हमें कृतज्ञ किया है। मैं अन्य विशेष अतिथियों, मीडिया बंधुओं तथा पास आउट होने वाले प्रशिक्षणार्थियों के परिवारजनों का भी इस समारोह में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज के इस दीक्षांत शपथ समारोह में कुल 594 ट्रेनीज हैं, जिसमें 521 पुरुष एवं 73 महिलाएं हैं। आज के इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ये प्रशिक्षणार्थी भारत के 16 राज्यों के रहने वाले हैं, जो उत्तर में हिमाचल प्रदेश से दक्षिण में आंध्रा और महाराष्ट्र तक, पश्चिम में राजस्थान से लेकर और नॉर्थ ईस्ट में बंगाल और असम तक के रहने वाले हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। यह सब इस चीज़ का द्योतक है कि यह एक बृहद देश का चित्रण भी करता है। ज़्यादातर प्रशिक्षणार्थी शैक्षिक तौर पर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसमें से 400 जो कर्मी हैं वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, जिसमें एमकॉम है, जिसमें बीटेक हैं, जिसमें एमबीए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह उच्च शिक्षा इनकी दैनिक ड्यूटियों को और अच्छे तरीके एवं ईमानदारी व लगन में करने में सहायक होगी। महोदय, इन ट्रेनीज का प्रशिक्षण फरवरी 2022 से शुरू हुआ था और आज 24 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत ये पास आउट हो रहे हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाने के साथ साथ इनको व्यावसायिक कार्यों में दक्ष बनाने के उद्देश्य से ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, अनआर्म्ड कम्बैट, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे विषयों और हथियारों में 5.56 इंसास एलएमजी, 9mm सीएम, 9mm पिस्टल, AK-47, 50mm मोटर, हैंड ग्रेनेड, स्नाइपर राइफल एवं 84mm सीजीआरएलएस आदि विषयों का गहन प्रशिक्षण इन कर्मियों को दिया गया है, ताकि ये हिमवीर अपने प्रोफेशनल कार्यों के अलावा देश के सामने आने वाली आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों का सामना दृढ़तापूर्वक कर सकें। इस प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनीज के व्यक्तित्व को निखारने के लिए विभिन्न प्रकार के खेलकूद, मानसिक विकास के लिए क्विज कंपटीशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए गए। प्रोफेशनल गतिविधियों को रचनात्मक पहल करते हुए बीटीसी द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेमोंस्ट्रेशन को भी सिलेबस में शामिल किया गया। प्रशिक्षण के प्रति रुचि पैदा करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों से उत्साहवर्धक रिजल्ट आए हैं, क्योंकि प्रशिक्षक एक लंबी अवधि होती है, जिसमें सामान्यतः ट्रेनीज के मन में इसके प्रति रुचि कम हो जाती है और उसको रुचिकर और आकर्षण बनाने के लिए बीटीसी द्वारा उपरोक्त कदम उठाए गए हैं। महोदय, इन ट्रेनीज को
प्रशिक्षण का गहन एवोल्यूशन करने के बाद इन ट्रेनीज में से बेस्ट ट्रेनीज इन फिजिकल इंड्योरेंस मेल एंड फीमेल, बेस्ट ट्रेनीज इन वेपन हैंडलिंग, बेस्ट ट्रेनीज इन ड्रिल, बेस्ट ट्रेनीज इन फायरिंग और ओवरऑल बेस्ट ट्रेनीज को चुना है, जिन्हें मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद आप सभी ट्रेनीज अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पर सौंपे हुए कार्य एवं जिम्मेवारियों को पूरी निष्ठा एवं दक्षता के साथ पूर्ण करेंगे। साथ ही मुझे यह भी विश्वास है कि इस गहन प्रशिक्षण के बाद आप सब एक योग्य सैनिक बनकर उभरेंगे एवं बल तथा देश का नाम रोशन करेंगे। मैं हिमवीरों के अभिभावकों को, जिन्होंने अपने बेटे और बेटियों को देश की सेवा के लिए इस बल में भेजा, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है जिस खुशी और इच्छा से आपने अपने बच्चों को आईटीबीपी जैसे इलीट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया है, उसी प्रकार उन्हें आगे भी घर की छोटी छोटी मुश्किलों को अपने तक सीमित रखते हुए देश सेवा हेतु प्रोत्साहित करते रहेंगे, ताकि ये नौजवान देश और बल सेवा में अपना आधार पक्का कर सकें और शुरुआती दिनों में सुदूर बीओपी पर देश सेवा में तैनात ये हिमवीर एकाग्रता से देश की सेवा कर सकें। मुझे विश्वास है कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे। मैं पुनः सभी ट्रेनीज को अपना बेसिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के लिए बधाई देता हूं और बल में आगामी सेवा के लिए शुभकामनाएं करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि यहां आपका जो 24 सप्ताह की जो ट्रेनिंग हुई है इसमें आप एक सिविलियन से एक फौजी बन गए हैं। आप में एक डिसिप्लिन की भावना आ गई है। आप जो है नॉन जीटी के कर्मी हैं, अपनी ड्यूटी आपने अच्छी तरह से करते हुए अपने जो हायर एजुकेशन आपने प्राप्त की है, इस एजुकेशन का प्रयोग करते हुए आप जो है आपने अग्रिम हायर पदों के लिए भी कोशिश करें। स्काई इज़ द लिमिट, छू लो आसमान को, आसमान खुला है आपके लिए। आप अपना ड्यूटी के बाद में अपना समय जाया ना करें, उस समय को आप सदुपयोग करते हुए आप कोई भी हायर परीक्षा देंगे, हायर एजुकेशन देंगे, तो ये बल हमेशा सहयोग करता रहा है, सहयोग करता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से काफ़ी कर्मी जो अधिकारी बनेंगे, अधीनस्थ अधिकारी बनेंगे और आप अन्य सिविल ऑर्गेनाइजेशन में भी जाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने परिवार का, अपने देश का, अपनी सेवाएँ देकर नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद। अंत में मैं पुनः आदरणीय श्री मनोज सिंह रावत, एडिशनल डीजी वेस्टर्न कमांड आईटीबीपी का इस शपथ ग्रहण एवं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बतौर पधारने के लिए आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। महोदय धन्यवाद। और अब वो विशेष अवसर, जबकि प्रशिक्षण के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार भेंट किए जाएंगे। जी हाँ, ऐसे ही बुलंद हौसलों वाले ये जाबाज, जिन्होंने 594 प्रशिक्षणार्थियों में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार भेंट कर उन्हें कृतार्थ करने की कृपा करें।
क्रम में सर्वप्रथम बेस्ट इन फिजिकल इंड्योरेंस फीमेल। कांस्टेबल कुक नंदिनी 43 बटालियन निरंतर 24 सप्ताह तक अपने आप अथक प्रयास से अपने आप को शारीरिक प्रशिक्षण गतिविधियों में अपनी शारीरिक अक्षमता के बल पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश करते हुए आपने यह मुकाम हासिल किया। कांस्टेबल कुक नंदिनी 43 बटालियन। बेस्ट इन फिजिकल इंड्योरेंस मेल कांस्टेबल वाटर कैरियर रमन लाल 17 बटालियन। प्रशिक्षण की शारीरिक प्रतिस्पर्धाओं में हर बार अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए आपने ये खिताब अपने नाम किया। कांस्टेबल वाटर कैरियर रमन लाल 17 बटालियन। बेस्ट इन ड्रिल कांस्टेबल टेलर लाली 46 बटालियन। प्रशिक्षण के दौरान कवायद के क्षेत्र में पूर्ण निष्ठाभाव व ईमानदारी से अद्वितीय कवायद का निरंतर अभ्यास कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा यह खिताब अपने नाम किया। कांस्टेबल टेलर लाली 46 बटालियन। बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग कांस्टेबल वाटर कैरियर आकाश 2 बटालियन। अथक मेहनत व लगन से निरंतर 24 सप्ताह के प्रयास के बाद हथियार प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर यह मुकाम हासिल किया। कांस्टेबल वाटर कैरियर आकाश 2 बटालियन। बेस्ट इन फायरिंग कांस्टेबल एस के उमेद सिंह 10 बटालियन। अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित तथा सटीक निशाने का प्रदर्शन करते हुए इन्होंने यह सम्मान हासिल किया है जो कि बल के एक गोली एक दुश्मन के मकसद को कामयाब बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांस्टेबल एस के उमेद सिंह 10 बटालियन। और अब अंत में ओवरऑल बेस्ट कांस्टेबल एस के अविनाश वाइकर आरटीसी शिवगंगई। प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए अपने आप को 594 प्रशिक्षणार्थियों में प्रशिक्षण के दौरान आयोजित विभिन्न प्रयोगात्मक व लिखित परीक्षाओं में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित कर यह स्थान प्राप्त किया। कांस्टेबल एस के अविनाश वाइकर आरटीसी शिवगंगई। महोदय धन्यवाद। कहते हैं सीढ़ियाँ उन्हें नसीब हो जिन्हें मंजिल को पाना हो। कहते हैं सीढ़ियाँ उन्हें नसीब हो जिन्हें मंजिल को पाना हो। उन्हें सीढ़ियों की दरकार क्या जिन्हें आसमां पर घर बसाना हो। पीछे हटेगा पीछे उड़।
आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की कड़ी में भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा कैंपेन चलाई जा रही है, जिसके लिए हमारे संस्थान में परिवार कल्याण केंद्र द्वारा क्वालिटी नेशनल फ्लैग बनाए जा रहे हैं। बीटीसी के इस हर घर तिरंगा कैंपेन को स्पॉन्सर कर रहे हैं आईकेजे केयर फाउंडेशन अंबाला कैंट की ट्रस्टी श्री राधिका चीमा एवं किंग कड़कनाथ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरविंदर चीमा। अब मैं आईकेजे केयर फाउंडेशन के ट्रस्टी श्रीमती राधिका चीमा और उनकी टीम को मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री राजेंद्र अधिकारी उपसेनानी दंडपाल से अनुरोध कि श्रीमती राधिका चीमा एवं श्री गुरविंदर चीमा को स्टेज तक एकम्पनी करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन कि आईकेजे केयर फाउंडेशन की ट्रस्टी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आईकेजे केयर फाउंडेशन सेल्फ फाइनेंस एनजीओ है, किसी भी प्रकार के बाह्य सहायता के बिना ही आज आईकेजे केयर फाउंडेशन मानव के कल्याणार्थ सेवारत है। श्रीमती राधिका चीमा अंबाला की स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप जिला युवा कल्याण संस्था अंबाला के महिला इकाई की अध्यक्षा भी हैं। मलिन बस्तियों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु श्रीमती चीमा आईकेजे केयर फाउंडेशन द्वारा लाइब्रेरी ऑन व्हील्स को संचालित किया जा रहा है। सभी को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच की सुगम बनाने हेतु आपके द्वारा एम्बुलेंस सेवाओं का भी संचालन किया जा रहा है। महोदय, हर घर तिरंगा अभियान में SBI ने सराहनीय योगदान दिया है। मैं इस अभियान में सराहनीय योगदान देने के लिए श्रीमती अनी कामडे, रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंचकुला, को मंच पर आमंत्रित करता हूं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन कि श्रीमती अनी कामडे, रीजनल मैनेजर SBI पंचकुला को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। श्रीमती अनी कामडे, रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा IG महोदय को तिरंगा भेंट किया जा रहा है। अब मैं श्री ईश्वर सिंह दुहन, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से आग्रह करती हूं कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को BTC परिवार की ओर से यादगार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। साथ ही अतिथि महोदय से अनुरोध है कि स्मृति चिन्ह ग्रहण करने की कृपा करें।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोज सिंह रावत, अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, से विनम्र आग्रह कि वो आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नव आरक्षकों के मार्गदर्शन व आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहने की कृपा करें। माननीय श्री मनोज सिंह रावत, अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। शुभ प्रभात। बेसिक ट्रेनिंग सेंटर बीटीसी के प्रांगण में उपस्थित अलग अलग राज्यों से आए हुए अभिभावकगण, आगंतुक मेहमान, श्री ईश्वर सिंह दुहान आईजी बीटीसी, श्री कुंवर पाल सिंह आईजी वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, आईकेजे फाउंडेशन के ट्रस्टी श्रीमती राधिका चीमा, श्री गुरविंदर चीमा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किंग केदारनाथ, श्री अश्विनी कुमार डीआईजी निट सरदार NITSRDR, श्री एके फूल डीआईजी वेस्टर्न कमांड, श्री राजेश शर्मा डीआईजी बीटीसी, डॉक्टर प्रमोद कुमार डीआईजी कंपोजिट हॉस्पिटल चंडीगढ़, श्रीमती अनी कामदी रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मीडिया के आए हुए हमारे साथी मित्रगण, एक सौ सड़सठवें नॉन जीडी बैच के प्रशिक्षणार्थी, पाइप बैंड के सदस्य, आज की इस महत्वपूर्ण परेड में पधारे हुए अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, हिमवीर जवान, वीरांगनाएं, फैमिलीज, प्यारे बच्चों, और इस परेड को सफल बनाने में जो भी शातकार बीटीसी के इसमें जुड़े हैं, उन सब का मैं इस प्रांगण में, इस मधुर बेला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज जबकि हम प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र भानु की डायमंड जुबली ईयर मना रहे हैं, वर्ष 1962 में करेरा मध्य प्रदेश में इस बीटीसी का जन्म हुआ था और तत्पश्चात कुल्लू हिमाचल प्रदेश में तकरीबन दो दशक तक ये बीटीसी का प्रशिक्षण वहाँ दिया गया, और मुझे याद आ रहा है वर्ष 1991 में जब मैं बीटीसी में एज ए कंपनी कमांडर कुल्लू में पोस्टेड था, तो मुझे जिम्मा दिया गया था कि आखिरी जो 90 बैच
रिक्रूट्स का है उसकी पासिंग आउट कराने के बाद 91 में हम जो रियर पार्टी थी एज ए ओआईसी रियर पार्टी कुल्लू से मैं भानु में आया था। तब हम लोग यहाँ पर ये जो कैंपस था इसमें कोई तार बाड़ भी नहीं लगी थी, टेंटों में रहा करते थे, लेकिन आज इस भूमि में नाना प्रकार की महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ एज ए बीटीसी आईटीबीपी भानु में समावेश कर चुका है और आज ये हमारा स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशन बन के आया है। इस सब के लिए मैं याद करता हूँ उन सभी हिमवीर साथियों को, हमारे सीनियर्स, हमारे जितने भी लोग इस मुहिम में जुड़े थे आज तक। आज मैं इस अवसर पर सबको याद करना चाहता हूँ और मैं उन सबको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ कि जिनके प्रयास से आज हमारा बीटीसी आईटीबीपी बल का एक बहुत अव्वल दर्जे का ट्रेनिंग सेंटर बन के आया है। साथियों, इस ट्रेनिंग सेंटर में जो कुछ फ़र्क आया है वो केवल इतना है कि यहाँ पे अब नेट सरदार जो कि हमारा डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर का ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें, और नेशनल ये क्या है तुम्हारा इसका ये एन टी सी डी एंड ए क्षमा करना मुझे थोड़ा सा नाम इतना एब्रीवेशन इतने टिपिकल है, तो जिसमें कि हम लोग अपने जो श्वान हैं और हमारे जो महत्वपूर्ण साथी जो एनिमल ट्रांसपोर्ट है उसकी ट्रेनिंग, ब्रीडिंग सेंटर और नाना प्रकार की एक्टिविटीज़ का समावेश इसमें बीटीसी में हुआ है। तो आज ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है बीटीसी जिस जो कि वृद्ध रूप से आईटीबीपी की ज़रूरतों को देखता है। मैं इसके लिए श्री ईश्वर सिंह दूहन और उनकी टीम ऑफ ऑफिसर्स एंड मैन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस बड़ी मुहिम का अच्छे तरीके से ये लोग अंजाम दे रहे हैं। साथियों, जैसा कि अभी दुवन साहब ने बताया कि ये 167वां नॉन जीडी जो बैच है इसमें 594 ट्रेनीज आज पास आउट होकर बल की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इन लोगों ने एक अच्छी निगरानी में, अच्छे वातावरण में, कुशल ट्रेनर्स के अंडर में 24 वीक का की ट्रेनिंग प्राप्त की है जो कि इनके आगे के जीवन के पथ में ले जाने में और सफलता देने में सहायक होंगे। आज मेरा आप सभी से ये गुजारिश है ट्रेनीज से, अब आप पास आउट हो चुके हैं, कि आप जो ये दी गई शिक्षा है बीटीसी में उसको हमेशा स्मरण करना, जो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन के आयाम सिखाए हैं, जो यहाँ पे फोर्स के एथिक्स, इथोस, ट्रेडिशन, कल्चर का जो आपको ज्ञान कराया है, आभास कराया है और आपको रियाज कराया है उसको अक्षरास पालन करना, तभी आप इस अद्वितीय बल जिसे हम इलीट ऑर्गेनाइजेशन आईटीबीपी कहते हैं उसकी सेवा अच्छे तरीके से कर सकेंगे और इसका मान सम्मान आप बढ़ा पाएंगे। मुझे खुशी है साथियों, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव
के रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं। हमारे 75 वर्ष की आज़ादी की जो ये जर्नी है बड़ी खूबसूरत रही है और हमारे महामहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनका जो पूरी टीम है उनका आह्वान है देश को कि अपने तिरंगे झंडे का मान सम्मान जो कि जिसके के लिए हमारे हजारों लाखों लोगों ने वर्षों से कुर्बानी दी जिसे पाने के लिए उस की इज्जत का इजहार करें, हर देश के नागरिक को ये स्मरण करवाएं, उनको इस मुहिम में शामिल करें कि वो अपने राष्ट्र ध्वज तिरंगा झंडा की इज्जत कर सकें और मान सम्मान के साथ इसको अपने साथ आलिंगनबद्ध करें, जहाँ जहाँ पर महत्वपूर्ण जो कार्यालय हैं, घर है, जो भी कुछ है वहाँ पर इसको लगाएं और 13 से 15 अगस्त तक जो हमारे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है उसको बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। मुझे खुशी है ये बोलते हुए कि BTC द्वारा इस मुहिम में बढ़ चढ़कर बल की तरफ से देश की तरफ से हिस्सा लिया जा रहा है। इसमें मैंने जो देखा कि यहाँ की जो प्रथम सदस्य है BTC की वो स्वयं झंडे को सी रही है अपने घर में और ये प्रयास कर रही है, एक इजहार कर रही है कि हम सब लोग इसका मान सम्मान बढ़ाएं, हम इससे जुड़ें और मुझे बहुत खुशी है कि पूरा BTC इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को आप लोग एक सच्ची श्रद्धा के साथ और एक मान सम्मान के साथ मनाएंगे और जो इसकी ट्रू स्पिरिट है यू एज ए BTC विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फोर्स एंड द कंट्री। साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से अभिभावकों को, कि ये बल उम्मीदों से भरा है। इस बल में बहुत ख्याति प्राप्त की है, हमारा बल का परचम, देश का परचम हमारे हिमवीरों ने, चाहे वो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल या उसके कंसुलेट जनरल जलालाबाद, कंधार, मजारे शरीफ इत्यादि में, सब जगह पर एक अपोजिट सिचुएशन में जाकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में किस प्रकार से पिछले वर्ष टर्मोइल आया था, लेकिन हमारे हिमवीरों ने आखिरी दम तक वहाँ पर जो अपनी ड्यूटी थी उसको अच्छे तरीके से अंजाम दिया और साथ सुरक्षित पूरे कॉन्सुलेट को और एम्बेसी को उन्होंने इवैक्यूएट कराने में मदद करी। ये वही हिमवीर है, ये वही बल है जिसने कि कांगो में पिछले तकरीबन 15 वर्ष में अपने अहम योगदान से वहाँ पर शांति स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये वही ITBP है जिसने कि 1987 में लिट्टे द्वारा जो श्रीलंका में टर्मोइल हुआ था तो वहाँ पे हमारा इंडियन हाई कमीशन, उसका परिवार, उसके जो चांसरी बिल्डिंग थी सबको खतरा था, तो हमारे बल के कमांडोज ने वहाँ पर जाकर शांति स्थापित करी और एक सुरक्षा का भाव हमारे सभी देशवासियों जो कि श्रीलंका में विद्यमान थे उस समय उनको दिलाया और एक सक्सेसफुल मिशन करके वापस आए। इसी प्रकार से ITBP का पार्टिसिपेशन विभिन्न UN मिशंस में होता है। कुछ एग्जांपल है, आपके खुद ही जो IG हैं वो UN मिशन बोस्निया हर्जेगोविना में इन्होंने एक कुशल नेतृत्व दिया था। इसी प्रकार से
ये डीआईजी अश्वनी कुमार हैं, राजेश शर्मा हैं, और भी बहुत अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवानों ने इस प्रकार के मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये तो विदेश की बात हुई, मैं देश में भी हमारे हिमवीर, चाहे वो जेएंडके के अंदर इलेक्शंस हों, श्री अमरनाथ जी की यात्रा हो, देश के जो एनओ एंटी नक्सल जो ऑपरेशंस हमारे छत्तीसगढ़ में होते हैं, और भी नाना प्रकार के चैलेंजेस को हम लोग हिमवीर अडिग होकर एक अच्छे ड्रिल के साथ अंजाम देते हैं, और आज तक की जो जर्नी आईटीबीपी की रही है वो बहुत सक्सेसफुल रही है। 2020 में आपको पता होगा कि चाइना ने किस प्रकार से लद्दाख में इनकर्शन किया था, और तकरीबन 3 हमारी लोकेशंस में जाकर उन्होंने कब्जा भी किया था, लेकिन आईटीबीपी के हिमवीर द्वारा इन सभी फ्रिक्शन पॉइंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, और उन्होंने पीएलए और चाइना के नापाक इरादे को निस्तनाबूद किया। मुझे खुशी होती है इस मंच पर आपके साथ इस बात को साझा करने में कि इस मुहिम में हमारे बल के 21 शातकारों को गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया है, और तकरीबन 300 के लगभग स्पेशल ऑपरेशंस मेडल दिए गए हैं। मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि श्री राजेश शर्मा जो डीआईजी हैं बीटीसी के, वो एक सेक्टर को उस समय कमांड कर रहे थे, और ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मेरा एज ए आईजी ऑपरेशन, एडीजी ऑपरेशंस हेडक्वार्टर में इनसे निरंतर कम्युनिकेशन रहता था, एंड आई एम प्राउड टू से कि इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ इसमें हिस्सा लिया। श्री अक्षय, हाथ खड़ा करें, किधर है अक्षय कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट, सामने आइए, किधर आइए। ये एक प्राउड मूवमेंट है, मैं चाहता हूं कि ये हिस्टोरिकल मूवमेंट बन जाए, आइए सामने। श्री अक्षय ये असिस्टेंट कमांडेंट पेंगोंग शो में थे, इन्होंने, इनकी जो टीम थी करीब 90 के तकरीबन ये लोग थे, और करीब 600 के लगभग पीएलए थे, उनका डटकर मुकाबला करा, और इनको भी गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया है। बहुत मुबारक हो आपको, वेल डन। तो साथियों, ये जो बातें मैं आपसे साझा कर रहा था, या जो अभिभावक हैं, आप इनके कोई माता पिता हैं, कोई किसी की पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, जो भी हैं, दादा दादी नाना नानी, सभी लोगों को मैं ये इस माध्यम से अप्राइज कराना चाहता हूं कि आपके बच्चों ने एक बहुत अच्छे बल को ज्वाइन किया है, और आप पूरा विश्वास रखिए, इनको साथ दीजिए कि ये शौर्य दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अपने ड्यूटी को भली प्रकार से अंजाम दे सके। बहुत समय हो गया है, काफ़ी धूप भी है, और मुझे ईश्वर साहब इशारा भी कर रहे हैं कि आपको 5 मिनट का समय दिया था, यू हैव ऑलरेडी क्रॉस द बैरियर। तो मैं एक बार पुनः आप सभी 167वें बैच नॉन जीडी के जो आज पास्ड आउट साथी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं आपसे आज संकल्प लेना चाहता हूं कि आप आने वाली जो आपकी जर्नी है इस फोर्स में, आप शौर्य दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अंजाम देंगे, बहुत अच्छे तरीके सेल्फलेस ड्यूटी देंगे। और साथ ही मैं आज श्री ईश्वर सिंह दूहन आईजी बीटीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष मुखातिब हो सकूं और अपने विचार आपके समक्ष रख सकूं। आज सब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। महोदय धन्यवाद। अब श्री राजेश शर्मा, उप महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से अनुरोध की आप मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, महिलाओं, अतिथिगण व आज पास आउट होने वाले नव आरक्षकों के परिवारजन,
गणमान्य व्यक्तियों का जो इस समारोह में साक्षी बने हैं तथा जिन्होंने इस भव्य परेड को सफल बनाने के लिए किसी भी प्रकार से सहयोग दिया है, उन सभी का धन्यवाद व आभार प्रकट करने की कृपा करें। माननीय श्री राजेश शर्मा, उप महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु। उपस्थित सम्मानित परम आदरणीय श्री मनोज सिंह रावत, एडिशनल डीजी वेस्टर्न कमांड भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, श्री ईश्वर सिंह दूहन, इंस्पेक्टर जनरल बीटीसी, श्रीमती राधिका चीमा, ट्रस्टी आईकेजे, श्री गुरविंदर चीमा, मैनेजिंग डायरेक्टर किंग कड़कनाथ, श्री केपी सिंह, इंस्पेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड, श्री अश्विनी कुमार, डीआईजी एनआईटीएस आरडीआर, श्री अनिल पूल, डीआईजी वेस्टर्न कमांड, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डीआईजी कंपोजिट हॉस्पिटल, श्रीमती एनी कामडी, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल मैनेजर एसबीआई, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय श्री सुनील कुमार, श्री विक्रांत थपलियाल, कमांडेंट बीटीसी, सम्मानित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, मीडिया के हमारे बंधु, महिला वर्ग, प्रशिक्षक वर्ग, समस्त हिमवीर साथी, बैंड टोली, 167th नॉन जीडी बैच के आज सभी पास आउट होने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी एवं आप सबके दूर दूर से आए हुए प्रियजन, आज के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ पधारने वाले सभी अतिथिगण का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोज रावत, एडिशनल डीजी वेस्टर्न कमांड का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से कुछ लम्हे निकालकर हमारा आतिथ्य स्वीकार किया एवं आज इन नव सैनिकों के महत्वपूर्ण मौके पर आकर इनका हौसला बढ़ाया, इनको आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहे। इसके साथ ही मैं बाहर से आए सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, महिलाओं का भी आभारी हूँ जो इस भव्य मौके पर साक्षी बने और इन नव सैनिकों के इस दिन को आज उन्होंने अविस्मरणीय बनाया है। यहाँ पर उपस्थित सभी ट्रेनीज के अभिभावकों एवं संबंधियों के प्रति मैं प्रशंसा एवं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपने लाड़नों को आज देश सेवा में आईटीबीपी में सम्मिलित होने का मौका दिया। मैं उनके हौसले और उनके जज्बे का मैं देख रहा था कि जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज उनके सामने से निकला और हमारी परेड की एक एक प्लाटून उनके सामने से निकलती थी तो वो किस प्रकार जय हिंद का उद्घोष करते थे। ये हमारे प्रियजनों का हौसला है, उनका जोश है। धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने इन लाडलों को देश की सेवा में समर्पित किया और आज जब ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की इस महत्वपूर्ण संस्थान बेसिक ट्रेनिंग सेंटर से अपना अंतिम पग बाहर निकालने जा रहे हैं और राष्ट्र सेवा में अपना प्रथम पग लेने जा रहे हैं, आप इनको आशीर्वाद देने और इस मौके पर साझा होने हमारे बीच आज पधारे हैं। मैं इस मौके पर अपने प्रेस एवं मीडिया बंधुओं का भी अति धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने सदैव बल की सकारात्मक छवि को उद्घाट किया है एवं आज हमारे सामने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की महत्ता को बढ़ाया है। मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं प्रिंसिपल
केवी श्री सुनील कुमार एवं उनके साथ आए समस्त बच्चे जो सुबह से इस भव्य समारोह को देखने के लिए यहाँ बैठे हैं और उन्होंने पूरे जोश से इस समारोह में हिस्सा लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में मैं प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के समस्त पदाधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, इंस्ट्रक्टर समुदाय, सभी हिमवीरों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने एक दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह को रोचक बनाने के लिए, अद्वितीय बनाने के लिए पूरे करीबन एक महीने से अथक परिश्रम किया है और अपना अमूल्य योगदान दिया है। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। परेड कमांडर, परेड के समापन एवं निष्क्रमण की अनुमति लेने के लिए चुस्त कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड के समापन तथा निष्क्रमण की अनुमति लेने के उपरांत परेड को अगले चरण की ओर ले जाने के लिए परेड कमांडर अपने चिन्हित स्थान की ओर चुस्त और सधे हुए कदमों से वापस जाते हुए। विदाई की घड़ियां आ चुकी हैं। 24 सप्ताह पूर्व जो स्वप्न इन सैनिकों ने देखा था कि प्रशिक्षण के बाद कर्तव्य पथ पर जाएंगे, देश सेवा की राह पर, जहां पुष्प भी वीरों का स्वागत कुछ इस प्रकार से करते हैं। मुझे तोड़ लेना वन माली, देना उस पथ पर फेंक। मुझे तोड़ लेना वन माली, देना उस पथ पर फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। प्रशिक्षण की चुनौतियां खत्म होने के उपरांत अनेक चुनौतियां इनके पास आएंगी। उसके लिए मैं यही कहूंगी कि इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, इन सैनिकों के हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। मापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तोलना सारा आसमान बाकी है। विदाई का ये अवसर भावुक होने का नहीं है। आप लोगों ने यहाँ 24 सप्ताह का समय अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन और स्नेह में गुजारा है और अब वक्त आ चुका है कि जो प्रशिक्षण गुरुजनों द्वारा दिया गया और जो समय यहाँ पर व्यतीत किया है उसे अपने स्मृति पटल पर संजोकर देश सेवा और बल की सेवा के लिए अपने कदम निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने के लिए आगे बढ़ाएं। केंद्र के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों और गुरुजनों का यही आशीर्वाद है, यही सीख है कि हमने आपको प्रशिक्षण के दौरान अपने पसीने से सींचकर इस योग्य बनाया है कि अपने सेवा काल में अडिग होकर अपना कर्तव्य पालन कर सको। जाओ सैनिकों, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। देखना माँ भारती की आन बान और शान में किसी प्रकार की कोई चूक न होने पाए। काल बनो तुम उन दुस्साहसियों के लिए, उन भीतरघात करने वाले देशद्रोहियों के लिए जो कि माँ भारती की अखंडता को तोड़ने के लिए कार्य करने का दुस्साहस कर रहे हैं।
राष्ट्र के महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग का अवलोकन कर उनके पदचिन्हों पर चलकर ख्याति अर्जित करो। और हम सभी का यही आशीर्वाद है कि आपका ये सैन्य जीवन उपलब्धियों भरा हो। अंत में ये सभी प्रशिक्षणार्थी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए हिमालय की गोद में बैठे हैं हम, हिमालय की गोद में बैठे हैं हम, अपने तिरंगे की शान को न होने देंगे कम। चाहे सीना हमारा छलनी ही क्यों न हो, चाहे सीना हमारा छलनी ही क्यों न हो, अपने शौर्य को न झुकने देंगे हम। इस तय को लेकर आगे बढ़ते हुए कि अपने कार्यों के निर्वहन में शौर्य, दृढ़ता एवं कर्म निष्ठा को स्वयं हिमालय के प्रहरियों से ऊपर रखते हुए मानवीय गरिमा एवं राष्ट्रीय अखंडता के उच्चतम स्तर को बनाए रखेंगे, आपदा प्रबंधन में सहायता करेंगे, हिमालय क्षेत्र में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का परिरक्षण तथा पुनर्स्थापना करेंगे। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को मां भारती की सेवा के लिए समर्पित किया है। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इस पथ पर अपने जिगर के टुकड़ों को भेजना निसंदेह महान कार्य है। ऐसे महान माता पिताओं को हमारा सत सत नमन, सत सत नमन। दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त जन समुदाय से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, क्योंकि अब से थोड़ी देर में पाइप बैंड डिस्प्ले दिखाया जाएगा। दर्शकों से अनुरोध है कि आप सभी अपना ध्यान मंच के सामने ग्राउंड में बनाए रखें, जहां प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र का महिला व पुरुष पाइप बैंड दस्ता निरीक्षक जीडी दिवाकर प्रसाद की अगुवाई में अपने हुनर का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसी प्रदर्शन को देखें।
बैंड प्लाटून द्वारा। मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में अपनी कला का बहुत ही शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया। प्रदर्शन की श्रृंखला में अगला प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं पीटी और मलखम। महोदय, एक जवान की सबसे बड़ी पूंजी या संपत्ति उस जवान की फिजिकल फिटनेस होती है और इस पूंजी या फिटनेस को बनाए रखने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण अति आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का प्रदर्शन प्रस्तुत करने आ रहे हैं बीटीसी के पीटी प्रशिक्षक। इसी प्रदर्शन को देखें। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे, भोले के नाम के लगा ले तू भी दम, फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल, बम बोले बम बोले बम बोले। तुझको रोक कोई भी ना सके, हार के बैठना नहीं जीत के दिखाना है तुझे, भाग तो ऐसे तुझको रोक कोई भी ना सके, चुप ना बैठ तू थोड़ा तो शोर मचा, आसमां तक पूछे ऐसा तू खेल दिखा, जोर से जोर लगा जोर लगा जोर लगा जोर से जा, कोई मुश्किल ना तेनू रोक सके, आम से तू थोड़ा जे आकाश बन जा, तेन मंजिल कौन तो ना कोई रोक सके, ओ लंदन तो दिल्ली सारे तू घूमता जा, आसमां दे शिखर नू यादा तू चुमता जा, fight.
यहाँ उससे भी टफ तू बन के दिखा। चली उठ बंदी आए खून बोल दो रग रग मेरी चीज जुनून बोल दो चल फिर लोहे साई रादा करिए चल यारा तिखे जुबा पे रखिए जिगरे में जीत का जुनून भरी गए दर्द से काफिरा प्यार करिए बन के दीवाना हौसला बुलंद कर मुश्किल सब आसान। नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली तू खुद है तेरी फौज तू ही टोली है। नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली तू खुद है तेरी फौज तू ही टोली तारों को पकड़ लैन दे तेज तारों को जकड़ लैन दे आज फटे चक लैन दे हो चक लैन तेरी जले शत्रु राख में मिले हमने जब जब शमशीरे ताने है माहे भवानी नन नन आधिया उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठाने है माया भवानी मर्द मावड़े बड़े खुद्दार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मा जगदम्बे है माया भवानी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका तमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम राधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरति गंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा हाथों में है
है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद्र की घड़ी की तुंग हार दो शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो प्रदर्शन की श्रृंखला में अगला प्रदर्शन है वन मिनट ड्रिल। महोदय प्रदर्शन की श्रृंखला में अगला प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं 167वें नोनजड़ी समुदाय के प्रशिक्षणार्थी जो कि इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण की झलक आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं। कृपया इसी प्रदर्शन को देखें। प्रदर्शन में पहला इवेंट है टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग नंबर 3। इस प्रदर्शन में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा एक मिनट में मैगजीन में 30 राउंड का भरना एलएमजी को जोड़कर फायर में शामिल करना है। इसी प्रदर्शन को देखें। अंतिम प्रशिक्षणार्थी द्वारा 51 सेकंड में इस कार्रवाई को पूर्ण किया गया। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों के साथ इन विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते रहें। इसी क्रम में अगला प्रदर्शन है ब्लाइंड फोल्ड प्रैक्टिस। महोदय यदि रात के समय में अंधेरे में
हथियार को खोलने जोड़ने की आवश्यकता पड़े तो किस प्रकार आंखों पर पट्टी बांधकर एक मिनट के अंदर कार्रवाई की जाती है, यह इस प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। हाथों से अलग अलग हथियारों को खोलना, किस प्रकार दोनों हाथों से एक जवान द्वारा अलग अलग हथियारों को खोलकर जोड़ा जा सकता है, यह इस प्रदर्शन में दिखाया जा रहा है। इसी प्रदर्शन को देखें। जवानों द्वारा मिले जुले हथियारों को खोलना और जोड़ना, एक जवान को अपने जाति हथियार के अलावा विभिन्न हथियारों की हैंडलिंग में निपुण होना अति आवश्यक है, यह इस प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इसी प्रदर्शन को देखें। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों के साथ इन प्रशिक्षणार्थियों का मनोबल बढ़ाते रहें। अंतिम जवान द्वारा इसी कार्रवाई को 51 सेकंड में पूर्ण किया गया। दो हाथों से 40 राउंड का अलग अलग मैगजीन में भरना, मिक्स एमिनिशन को आंखों पर पट्टी बांधकर मैगजीन में भरना, यह प्रदर्शन अभी आपके सामने दिखाया जा रहा है। कृपया इसी प्रदर्शन को देखें। अनुरोध है कि तालियों की आवाज को कम न होने दें। अंतिम जवान द्वारा कार्रवाई को 50 सेकंड में पूर्ण किया गया।
आंखों पर पट्टी बांधकर दो हथियारों के मिले जुले हिस्से पुर्जों को खोलना व जोड़ना जो कि इस अंतिम प्रदर्शन में दिखाया जा रहा है। इसी प्रदर्शन को देखें। अंतिम प्रशिक्षणार्थी द्वारा इस इवेंट को 41 सेकंड में पूर्ण किया गया। वन मिनट ड्रिल के इस प्रदर्शन में अभी आपने देखा कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा कार्यवाही को एक मिनट के अंदर में पूर्ण किया गया। का अंतिम प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जाबाज हिमवीर, जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर अपना प्रदर्शन प्रदर्शित कर आईटीबीपी का नाम रोशन किया। ये जाबाज हिमवीर अभी आपके सामने विभिन्न प्रकार की फॉर्मेशनों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से म्यूजिक की धुन के साथ प्रदर्शित करने आ रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गर्जना के साथ हमारे इन जाबाज हिमवीरों का हौसला बढ़ाएं। जा तू पर्वत पर्वत जा।
मेरा शपथ है तुझको इस माटी की लड़ना जब तक जान है बाकी दम रुक जाए कदम रुके ना स्वाधर में नितनम श्रेया स्वाधर में नितनम श्रेया Swadharme nitanam shreya Jaya 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 Tak 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 dhada Jaya 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 Tak 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 tak
जिंदाबाद तू शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू फूकता जा जालिमों की बस्तियां दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू फूकता जा जालिमों की बस्तियां दुश्मनों को क्या पता है आग की जय हिंद की सेना।
दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर ध्वजों को सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम भारत तिब्बत सीमा के हैं प्रहरी सब पहचाने। हम जैसे सैनिक कहीं नहीं, ये सच्चाई सब जाने। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी।